आज गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के साथ ताजमहल घूमने जाने वाले हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन घर के बाहर आकर बाबा के आने का इंतजार कर रहे थे। इधर बाबा अपनी बस लेकर गुल्ली बुल्ली के घर पर जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में बाबा गुल्ली बुल्ली के घर पर पहुंच जाते हैं। बाबा बस से बाहर आते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं, मैंने हम सबके लिए ये पूरी बस बुक कर ली है, सभी लोग चलकर बस में बैठ जाओ। गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत खुश होते हैं। गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा बस में आकर बैठ जाते हैं। तभी गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा बस में इतनी सारी जगह खाली है, चलिए चलकर रॉड को भी ले लेते हैं। बाबा कहते हैं, ठीक है। बाबा बस को लेकर रॉड के घर पर आते हैं। रॉड घर के बाहर बैठकर आइसक्रीम खा रहा था। गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा रॉड के पास आते हैं। बाबा रॉड से कहते हैं, रॉड हम सभी लोग ताजमहल घूमने जा रहे हैं, अगर तुम्हें भी आना है तो हमारे साथ चलो। रॉड कहता है, ठीक है बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं ये सारी आइसक्रीम पैक कर लेता हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली, बाबा, शॉन और रॉड बस में आकर बैठते हैं। बाबा बस को लेकर ताजमहल की तरफ जाने लगते हैं। काफी देर सफर करने के बाद गुल्ली बुल्ली, बाबा, शॉन और रॉड ताजमहल के पास पहुंच जाते हैं। बाबा बस को रोकते हैं। सभी लोग बस से बाहर आते हैं। गुल्ली बुल्ली, बाबा, शॉन और रॉड ताजमहल के सामने आते हैं। काफी देर मौज मस्ती करने के बाद बाबा गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड से कहते हैं, काफी रात हो चुकी है, चलो अब घर चलते हैं। ठीक है बाबा। गुल्ली बुल्ली, बाबा, शॉन और रॉड बस में आकर बैठते हैं। बाबा बस को लेकर घर की तरफ जाने लगते हैं। बाबा कहते हैं, हमें घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, अगर किसी को नींद आ रही है तो वो सो सकता है। तभी रॉड कहता है, बाबा मैं एक शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ जिससे हम लोग घर सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। बाबा कहते हैं, अच्छा ठीक है, किधर है वो रास्ता? रॉड कहता है, वो रास्ता आगे से राइट की तरफ पड़ेगा, लेकिन बाबा मैंने सुना है उस रास्ते से आजकल कई लोग गायब हो रहे हैं, और कई लोगों का तो ये भी कहना है रास्ते में एक भूतिया स्कूल पढ़ता है और उस स्कूल में मिस्टर मीट रहता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये सुनकर घबरा जाते हैं। तभी बाबा कहते हैं, तुम लोग घबराओ मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और फिर बाबा बस को शॉर्टकट रास्ते पे ले जाने लगते हैं। रास्ते में बहुत अंधेरा है और चारों तरफ जंगल है। जंगल से तरह तरह जानवरों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये सुनकर और भी डर जाते हैं। इसी देर में वो लोग उस पुराने स्कूल के पास पहुंचते हैं। स्कूल के सामने आते ही उन लोगों की बस खराब हो जाती है। बाबा बस को कई बार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस स्टार्ट ही नहीं हो रही। बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड से कहते हैं, लगता है बस के इंजन में कोई खराबी आ गई है, रुको मैं बाहर से देख कर आता हूँ। गुल्ली कहता है, नहीं बाबा आप बाहर मत जाइए, लगता है ये स्कूल वही भूतिया स्कूल है जिसके बारे में रॉड बता रहा था। रॉड भी कहता है, हाँ बाबा मुझे भी लगता है ये वही स्कूल है। बाबा कहते हैं, तुम लोग डरो मत, मैं बस यूं गया और यूं आया। ये कहकर बाबा बस से बाहर आ जाते हैं। बाबा बस के सामने आते हैं। बाबा देखते हैं बस पे तो चारों तरफ खून लगा हुआ है। बाबा ये देखकर बहुत डर जाते हैं। बाबा अभी ये देख ही रहे थे तभी बाबा को दिखता है उस पुराने स्कूल के सामने एक छोटा बच्चा खड़ा है। बाबा को लगता है वो बच्चा रास्ता भटककर इस जंगल में आ गया है। बाबा उस बच्चे के पास जाने लगते हैं। बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा कहते हैं, तुम लोग बस में ही बैठो, मैं बस अभी आया। और बाबा उस बच्चे के पास जाने लगते हैं। बाबा जैसे ही उस स्कूल के पास जाते हैं वो बच्चा दौड़ कर स्कूल के अंदर चला जाता है। मिस्टर मीट बाबा के सामने आ जाता है। बाबा ये देखकर हैरान हो जाते हैं। मिस्टर मीट बाबा को लात मारकर स्कूल के अंदर कर देता है और दौड़कर स्कूल के अंदर चला जाता है। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड ये सारी चीजें देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। रॉड कहता है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए वरना मिस्टर मीट हमें भी पकड़ लेगा। और रॉड बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन बस स्टार्ट नहीं हो रही। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड को स्कूल के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है।
गुल्ली कहता है ये जरूर बाबा हैं, हम बाबा को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें चलकर बाबा को बचाना चाहिए। हाँ गुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है, हमें बाबा को बचाना चाहिए। शॉन भी कहता है हमें बाबा को बचाना चाहिए। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड बस के बाहर आते हैं। सभी लोग स्कूल के सामने आते हैं। वो लोग मिलकर गेट खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन गेट अंदर से लॉक है। तभी उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है। लगता है ट्रक इधर ही आ रही है। सभी लोग पत्थर के पीछे आकर छिपते हैं। उन्होंने देखा एक पुरानी खटारा ट्रक स्कूल के सामने आकर खड़ी होती है और उसमें से जेफ द किलर बाहर आता है। उस ट्रक में कई सारी डेड बॉडीज हैं। जेफ द किलर स्कूल का एक खिड़की निकालकर स्कूल के अंदर जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को पता चलता है स्कूल में जाने का एक और रास्ता है। जेफ द किलर के अंदर जाते ही गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड उस खिड़की के पास आते हैं। उन्होंने उस खिड़की को हटाया और एक एक कर खिड़की से अंदर आ गए। गुल्ली कहता है हमें सावधान रहना होगा, इस स्कूल में मिस्टर मीट और जेफ द किलर है, हमें जल्द से जल्द बाबा को ढूंढ कर यहां से बाहर निकलना है। गुल्ली को वहां एक टॉर्च दिखता है। गुल्ली टॉर्च उठाता है और जलाता है। सभी लोग आगे बढ़ते हैं। इस स्कूल में कई सारे कमरे हैं। गुल्ली बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा मिस्टर मीट बाबा को किधर लेकर गया है। तभी उन्हें ऊपर जाने की सीढ़ी दिखाई देती है। सभी लोग ऊपर जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड जैसे ही ऊपर आते हैं जेफ द किलर की नज़र उन लोगों पे पड़ जाती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और भागकर नीचे जाने लगते हैं। वो लोग नीचे आकर एक कमरे में जाकर छिप जाते हैं। जेफ द किलर भी नीचे आ जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड कमरे के अंदर आकर छिपे हुए हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है ये लोग किस कमरे में आकर छिपे हैं। इस कमरे में मिस्टर मीट भी है। मिस्टर मीट बाबा को काटने जा रहा था, लेकिन तभी मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को देख लेता है। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड भी मिस्टर मीट को देख लेते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड मिस्टर मीट और जेफ द किलर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी गुल्ली टॉर्च से जेफ द किलर को मारता है जिससे जेफ द किलर पीछे जाकर गिर जाता है। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड कमरे से बाहर आते हैं। मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड का पीछा करने लगता है। सभी लोग छत के ऊपर जाने लगते हैं। मिस्टर मीट उन लोगों को स्कूल के अंदर देखकर बहुत ज्यादा भड़क गया है। मिस्टर मीट उन लोगों का पीछा करते करते छत के ऊपर जाने लगता है। इधर जेफ द किलर को भी होश आ गया है। जेफ द किलर उठते ही छत के ऊपर जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। गुल्ली बुल्ली के सामने मिस्टर मीट और जेफ द किलर आकर खड़े हो जाते हैं। मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड से कहता है कहाँ भाग कर जाओगे, ये मेरा स्कूल है। तभी पीछे से आवाज आती है जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इन लोगों को हाथ भी नहीं लगा सकते। ये तो बाबा हैं, बाबा होश में आ गए हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड बाबा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा दौड़कर मिस्टर मीट और जेफ द किलर के पास आते हैं और एक एक कर दोनों को मारते हैं। मिस्टर मीट और जेफ द किलर दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड के पास आते हैं और उनसे कहते हैं हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इससे पहले ये लोग होश में आ जाएं। सभी लोग भागकर नीचे आते हैं। वो लोग जैसे ही नीचे आते हैं उन्होंने देखा गेट के सामने दो मॉन्स्टर्स खड़े हैं। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मॉन्स्टर सभी पे बंदूक से हमला करते हैं। इससे पहले बाबा कुछ कर पाते मॉन्स्टर सभी लोगों को अपनी बंदूक से मार देते हैं। वहाँ मिस्टर मीट और जेफ द किलर आते हैं। मॉन्स्टर मिस्टर मीट से कहता है ये लोग ज्यादा देर तक बेहोश नहीं रहेंगे, थोड़ी ही देर में ये लोग होश में आ जाएंगे। तभी जेफ द किलर मिस्टर मीट से कहता है हम इन्हें लेकर मेरे घर पर चलते हैं, मेरे घर पर सारे मसाले रखे हैं, हम इन्हें पका कर खाएंगे। मिस्टर मीट कहता है रुको इन्हें काटने के लिए मैं अपनी चैनसॉ ले लेता हूँ। मिस्टर मीट जेफ द किलर और मॉन्स्टर्स मिलकर गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड की बॉडी को ट्रक पे लोड करते हैं। मिस्टर मीट जेफ द किलर और मॉन्स्टर्स ट्रक पे बैठते हैं और वो लोग जेफ द किलर के घर की तरफ जाने लगते हैं। मिस्टर मीट और जेफ द किलर गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड को लेकर जेफ द किलर के घर पर आते हैं। जेफ द किलर ट्रक को घर के सामने लगाता है।
सभी ने मिलकर गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड को ट्रक से नीचे उतारा और उन्हें पकाने की तैयारी करने लगे। जेफ द किलर मिस्टर मीट से कहता है, सबसे पहले हम बाबा को पकाएंगे और सभी को वहां बांध देंगे। जेफ द किलर और मिस्टर मीट ने मिलकर गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को बांध दिया और बाबा को पकाने की तैयारी करने लगे। रॉड उठता है। रॉड देखता है जेफ द किलर और मिस्टर मीट बाबा को पकाने जा रहे हैं। रॉड चिल्ला चिल्ला कर बाबा को उठाने की कोशिश करने लगता है। मॉन्स्टर ये देखकर भड़क जाता है और रॉड को मारता है। इससे रॉड दोबारा बेहोश हो जाता है, लेकिन रॉड की आवाज सुनकर बाबा होश में आ गए हैं। ये देखते ही मिस्टर मीट और जेफ द किलर घबरा गए। मॉन्स्टर कहता है, तुम लोग घबराओ नहीं, इसे मैं संभालता हूँ। मॉन्स्टर अपनी गन से बाबा के ऊपर हमला करता है, लेकिन बाबा मॉन्स्टर की गन से बच जाते हैं और मॉन्स्टर को मारते हैं, जिससे मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। बाबा दौड़ कर आते हैं और मिस्टर मीट को मारते हैं, जिससे मिस्टर मीट दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी जेफ द किलर अपनी चाकू से बाबा के ऊपर हमला करता है। वो चाकू सीधा जाकर बाबा के सीने में लगता है, जिससे बाबा बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। लगता है जेफ द किलर ने बाबा को मार दिया है। थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी होश आ जाता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन देखते हैं जेफ द किलर ने बाबा को मार दिया है और जेफ द किलर बाबा को पकाने जा रहा है। उन्होंने देखा मिस्टर मीट भी होश में आ गया है। गुल्ली शॉन और बुल्ली से कहता है, हमें कैसे भी कर बाबा को बचाना होगा, इससे पहले वो लोग बाबा को पका दे। शॉन कहता है, लेकिन हम बाबा को बचाएंगे कैसे, हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं। तभी रॉड होश में आ जाता है। रॉड कहता है, मैं कुछ कर सकता हूँ। रॉड कहता है, मैं इस रस्सी को अपनी फ्रीजिंग पावर से तोड़ सकता हूँ। गुल्ली कहता है, ठीक है तो जल्दी करो। और फिर रॉड अपनी शक्तियों से रस्सी को तोड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में रस्सी टूट जाती है। रॉड उठता है। उठते ही रॉड ने शॉन बुल्ली और गुल्ली को छुड़ाया और रॉड मिस्टर मीट और जेफ द किलर से कहता है, तुम लोग बाबा को छोड़ दो वरना मैं तुम सभी को अभी के अभी फ्रीज कर दूंगा। मिस्टर मीट और जेफ द किलर इन लोगों को खुला देखकर हैरान है। मिस्टर मीट कहता है, तुम लोगों ने रस्सी कैसे खोल दी। रॉड कहता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी ये लो। रॉड मिस्टर मीट को मारता है, जिससे मिस्टर मीट दूर जाकर गिरता है। शॉन दौड़कर आता है और जेफ द किलर को मारता है, जिससे जेफ द किलर पेड़ के ऊपर चला जाता है। बुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड बाबा के पास आते हैं। उन्होंने बाबा के सीने से चाकू निकाला। होश में आते ही बाबा कहते हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी उन्हें वहाँ मोटरसाइकिल दिखती है। गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड मोटरसाइकिल पे आकर बैठते हैं और मोटरसाइकिल चलाकर वहाँ से भागने लगते हैं। मिस्टर मीट और जेफ द किलर ये देखते हैं और वो दोनों भी मोटरसाइकिल पर बैठकर उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा जेफ द किलर और मिस्टर मीट तेजी से इधर ही आ रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी मोटरसाइकिल को अपग्रेड कर देता हूँ। और बाबा अपनी जादुई शक्तियों से मोटरसाइकिल को अपग्रेड कर देते हैं, जिससे ये लोग और भी तेज भागने लगते हैं। मिस्टर मीट और जेफ द किलर ये देखकर हैरान हैं। तभी गुल्ली बुल्ली देखते हैं वो मॉन्स्टर्स तेजी से उड़के उनके पास आ रहे हैं। वो मॉन्स्टर्स तेजी से उड़कर आते हैं और शॉन को पकड़ लेते हैं और शॉन को लेकर कहीं जाने लगते हैं। मॉन्स्टर शॉन को पकड़कर ले जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड ये देखकर डर जाते हैं। मिस्टर मीट और जेफ द किलर ने देखा गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड का ध्यान उनकी तरफ नहीं है। इसी बात का फायदा उठाते हुए मिस्टर मीट और जेफ द किलर अपनी बाइक उनके सामने लगा देते हैं। ये देखकर बाबा बाइक को रोक देते हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉड बाइक नहीं रोकते हैं और सीधा मिस्टर मीट और जेफ द किलर के साथ टकरा जाते हैं। मिस्टर मीट और जेफ द किलर होश में आते हैं। दोनों बाबा के सामने आते हैं। मिस्टर मीट बाबा से कहता है, तुम बस अकेले बचे हो, तुम्हारे सारे साथी बेहोश पड़े हैं और एक को मॉन्स्टर्स उठा ले गए हैं। बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसको बचाएं। तभी रॉड होश में आ जाता है। रॉड उठते ही बाबा से कहता है, बाबा आप जाकर शॉन को बचाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। बाबा ये सुनकर बाइक से मॉन्स्टर्स का पीछा करने लगते हैं।
उन्हें देखकर मिस्टर मीट जेफ द किलर से कहता है, वो बाबा भाग रहा है, तुम जाकर उसका पीछा करो, मैं इसे संभालता हूँ। जेफ द किलर मोटरसाइकिल को उठाता है और मोटरसाइकिल पर बैठकर बाबा का पीछा करने लगता है। बाबा मॉन्स्टरों का पीछा कर रहे हैं। बाबा मॉन्स्टर्स का पीछा करते करते काफी दूर आ चुके हैं। जेफ द किलर बाबा के पीछे लगा हुआ है। बाबा अपनी लेजर से जेफ द किलर को मारते हैं, लेकिन जेफ द किलर बाबा की लेजर से बच जाता है। बाबा देखते हैं मॉन्स्टर शॉन को लेकर एक पहाड़ के पीछे चले जाते हैं। तभी बाबा को एक गुफा दिखाई देती है। बाबा उस गुफा में जाने लगते हैं। बाबा देखते हैं यहाँ तो लावा से भरी नदी है। बाबा ने देखा मॉन्स्टर शॉन को लेकर लावा के नदी के उस पार जा रहे हैं। बाबा को जल्द से जल्द इस लावा की नदी को पार करना होगा, क्योंकि जेफ द किलर तेजी से इधर ही आ रहा है। बाबा देखते हैं लावा के उस पार भी गुफा है। तभी बाबा को एक आइडिया आता है। बाबा अपनी बाइक पीछे लेते हैं और जेफ द किलर के पास आने का इंतजार करते हैं और तेजी से चलाकर लावा की तरफ जाने लगते हैं। अपनी बाइक को लावा की नदी के दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं। जेफ द किलर को लावा की नदी के बारे में कुछ पता नहीं था और जेफ द किलर बाइक सहित लावा में गिर जाता है। बाबा बाइक लेकर गुफा से बाहर आते हैं। बाहर आते ही बाबा ने देखा बाबा के सामने एक टैंक खड़ा है और मॉन्स्टर ने शॉन को टैंक पे बांध दिया है। मॉन्स्टर बाबा को कहते हैं, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस बटन को दबा दूंगा जिससे टैंक की गोली चल जाएगी। बाबा कहते हैं, ऐसा कुछ मत करना। ये सुनकर मॉन्स्टर कहता है, अगर तुम शॉन की सलामती चाहते हो तो यहाँ से वापस लौट जाओ। बाबा कहते हैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन शॉन को कुछ मत करना। इतना कहकर बाबा अपनी बाइक लेकर गुफा की तरफ जाने लगते हैं। मॉन्स्टर ये देखकर अपना टैंक एक गुफा की तरफ ले जाने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स को पता नहीं है बाबा ये सारी चीजें छिपकर देख रहे हैं। मॉन्स्टर्स टैंक लेकर जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं, बाबा गुफा से बाहर आते हैं और बाबा छिपकर उस गुफा की अंदर जाने लगते हैं। इधर मिस्टर मीट रॉड को कुत्ते की तरह मार रहा है। तभी गुल्ली बुल्ली को होश आता है। गुल्ली बुल्ली उठते ही देखते हैं मिस्टर मीट रॉड को कुत्ते की तरह मार रहा है। गुल्ली बुल्ली से कहता है, हम रॉड को ऐसे पिटते हुए नहीं देख सकते हैं, हमें रॉड को बचाना होगा। बुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम रॉड को बचाएंगे कैसे। गुल्ली कहता है, वो देखो मिस्टर मीट का चाकू वहाँ गिरा है, चलो उस चाकू को उठा लेते हैं और उस चाकू से मिस्टर मीट को मार देते हैं। हाँ अच्छा आइडिया है, जल्दी चलो। गुल्ली उस चाकू को उठाता है और दौड़कर जाता है और मिस्टर मीट को मार देता है। लगते ही मिस्टर मीट नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। गुल्ली बुल्ली रॉड के पास आते हैं और रॉड से पूछते हैं, बाबा और शॉन कहाँ हैं। रॉड कहता है, जल्दी से सभी लोग स्कूटर पर बैठ जाओ, बाबा शॉन को मॉन्स्टरों से बचाने गए हैं और जेफ द किलर बाबा के पीछे गया है। गुल्ली बुल्ली और रॉड एक बाइक पर सवार हो जाते हैं और बाइक लेकर वहां से जाने लगता है। तभी मिस्टर मीट को होश आ जाता है। मिस्टर मीट उठते ही देखता है गुल्ली बुल्ली और रॉड वहां से भाग रहे हैं। मिस्टर मीट भी एक बाइक पर बैठकर उन लोगों का पीछा करने लगता है। गुल्ली बुल्ली और रॉड वहां से भागते भागते उसी गुफा के पास आते हैं और उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। उन्हें लावा से भरी नदी दिखाई देती है। रॉड कहता है, हम इस नदी को कभी पार नहीं कर पाएंगे। तभी गुल्ली बुल्ली और रॉड देखते हैं मिस्टर मीट इनकी तरफ तेजी से आ रहा है। रॉड गुल्ली बुल्ली से कहता है, तुम लोग मुझे कसकर पकड़ लो। और रॉड इतना कहकर बाइक को उड़ा देता है। रॉड अपनी बाइक गुफा के दूसरी तरफ लाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। मिस्टर मीट उन लोगों को देखता रहता है। गुल्ली बुल्ली और रॉड बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें बाबा कहीं नहीं दिखाई दे रहे। रॉड कहता है, लगता है बाबा उस गुफा के अंदर गए हैं। और रॉड बाइक लेकर उस गुफा के अंदर जाने लगता है। इधर मिस्टर मीट भी अपनी बाइक लावा के ऊपर से कूदा देता है और गुफा से बाहर आ जाता है।
मिस्टर मीट भी उस गुफा के अंदर जाता है। मॉन्स्टर्स टैंक लेकर गुफा से बाहर आते हैं। मॉन्स्टर कहता है, ये बटन दबाकर गोली चला दो। ठीक है, मैं इस बटन को दबा रहा हूँ। मॉन्स्टर जैसे ही उस बटन को दबाने जाता है, बाबा वहाँ आ जाते हैं। बाबा दोनों मॉन्स्टरों को मारते हैं। दोनों मॉन्स्टर टैंक से दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन मॉन्स्टर्स ने गोली का बटन दबा दिया था और गोली का बटन 3 सेकंड में ब्लास्ट होने वाला है। अभी बाबा ये सोच ही रहे थे, अभी बाबा देखते हैं बुल्ली बुल्ली और रॉड गुफा से बाहर आते हैं और वहाँ मिस्टर मीट भी आ जाता है। बाबा को कैसे भी कर टैंक को रोकना होगा। बाबा देखते हैं गुल्ली बुल्ली और रॉड इधर ही आ रहे हैं और गुल्ली बुल्ली के पीछे मिस्टर मीट भी आ रहा है। तभी बाबा को एक आइडिया आता है। टैंक की गोली चलने से पहले बाबा शॉन को टैंक के ऊपर से हटा देते हैं और गुल्ली बुल्ली को भी अपनी बाइक से गिरा देते हैं और तभी टैंक की गोली चल जाती है। टैंक की गोली सीधा मिस्टर मीट पे जाकर लगती है। मिस्टर मीट बहुत दूर जाकर गिरता है। इधर बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड को उठाते हैं और उनसे कहते हैं, मैंने शॉन को बचा लिया है, अब हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। मिस्टर मीट अभी भी मरा नहीं है, वो कभी भी होश में आ सकता है। जल्दी से सभी लोग बाइक पर बैठ जाओ। बाबा शॉन से कहते हैं, मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ, तुम यही रहना। बाबा अपने बाइक के पास आते हैं लेकिन तभी बाबा के पीछे दोनों मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। दोस्तों, क्या आप भी खेलना चाहते हो गुल्ली बुल्ली गेम? तो अभी डाउनलोड करो गुल्ली बुल्ली वर्सेस मम्मी। इस गेम में मम्मीज ने गुल्ली को पकड़ लिया है और गुल्ली को कुछ ही दिनों में इस घर से बाहर निकलना है, वरना मम्मीज गुल्ली को मार देंगी। अगर आपको गुल्ली को मम्मीज से बचाना है तो आपको अभी डाउनलोड करना होगा गुल्ली बुल्ली वर्सेस मम्मी गेम। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मॉन्स्टर्स बाबा को पकड़ लेते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड ये सारी चीजें देख रहे थे। मॉन्स्टर मिलकर बाबा को मार रहे हैं। इधर शॉन ये सारी चीजें देख रहा था। तभी रॉड शॉन से कहता है, शॉन जल्दी से इधर आ जाओ वरना वो मॉन्स्टर तुम्हें भी पकड़ लेंगे। शॉन कहता है, तुम लोग घबराओ मत, मैं इन मॉन्स्टरों की अकल ठिकाने लगाता हूँ। शॉन दौड़ कर जाता है और टैंक पर बैठ जाता है। लगता है शॉन इस टैंक से इन दोनों मॉन्स्टरों को मारने वाला है। और तभी शॉन एक एक कर दोनों मॉन्स्टरों को मार देता है। शॉन बाबा के पास आता है और बाबा से कहता है, बाबा आप ठीक तो है ना? हाँ शॉन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा आकर टैंक पर बैठ जाते हैं। बाबा टैंक को लेकर गुल्ली बुल्ली और रॉड के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम लोग भी टैंक के अंदर आ जाओ, लगता है मिस्टर मीट होश में आ रहा है। गुल्ली बुल्ली और रॉड टैंक के अंदर आकर बैठ जाते हैं। वो लोग देख रहे थे मिस्टर मीट होश में आ रहा है। थोड़ी ही देर में मिस्टर मीट होश में आ जाता है। बाबा कहते हैं, लगता है इस मिस्टर मीट को मारने का समय आ गया है, मैं इस टैंक से मिस्टर मीट के ऊपर हमला करता हूँ। और बाबा टैंक की गोली मिस्टर मीट के ऊपर चलाते हैं। टैंक की गोली सीधा मिस्टर मीट के ऊपर जाकर लगती है। लेकिन ये क्या, मिस्टर मीट को तो इस गोली से असर भी नहीं हुआ। लगता है मिस्टर मीट को कुछ हो रहा है। अरे ये क्या, मिस्टर मीट को मॉन्स्टर में बदल रहा है। गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। थोड़ी ही देर में मिस्टर मीट बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा जल्दी यहाँ से भागिए वरना ये मिस्टर मीट हम लोगों को मार देगा। बाबा भी ये देखकर हैरान है लेकिन फिर बाबा कहते हैं, तुम लोग घबराओ मत, हमारे पास ये खतरनाक टैंक है, मैं इस टैंक से मिस्टर मीट को मार के दिखाता हूँ। बाबा लगातार टैंक की गोली मिस्टर मीट के ऊपर चला रहे हैं लेकिन मिस्टर मीट पे उसका कोई असर नहीं हो रहा। मिस्टर मीट बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है। मिस्टर मीट उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी बाबा को टैंक के अंदर एक बटन दिखाई देता है। बाबा उस बटन को दबा देते हैं। बटन दबाते ही टैंक के अंदर से 4 मशीन गन्स बाहर आ जाती हैं और मशीन गन्स लगातार मिस्टर मीट के ऊपर फायर करने लगती है। लगता है मशीन गन का असर मिस्टर मीट के ऊपर हो रहा है। गुल्ली बुल्ली रॉड शॉन और बाबा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी बाबा को वहाँ एक और बटन दिखाई देता है। बाबा उस बटन को भी दबा देते हैं। वो बटन दबाते ही टैंक के अंदर से एक बहुत बड़ा मिसाइल बाहर आता है और मिस्टर मीट की तरफ जाने लगता है। वो मिसाइल सीधा मिस्टर मीट के ऊपर जाकर लगता है। मिसाइल लगते ही मिस्टर मीट छोटा होने लगता है। लगता है मिस्टर मीट अपने असली रूप में आ रहा है।
बाबा कहते हैं एक बार ये मिस्टर मीट अपने असली रूप में आ जाए, फिर मैं इसे बताता हूँ। बाबा लगातार मिस्टर मीट के ऊपर मशीन गन से फायर कर रहे हैं। लगता है इस बार मिस्टर मीट बाबा के हमले से नहीं बचने वाला। थोड़ी ही देर में मिस्टर मीट वापस से छोटा हो जाता है। बाबा टैंक से बाहर आते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड से कहते हैं, मैं अभी मिस्टर मीट की अकल ठिकाने लगा कर आता हूँ। बाबा दौड़ कर मिस्टर मीट के पास आते हैं और मिस्टर मीट से कहते हैं, यू अकल ठिकाने आ गई? मिस्टर मीट बाबा से कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर मिस्टर मीट अपनी जादुई शक्तियों से अपना हथियार बुलवाता है। बाबा मिस्टर मीट के हथियार को देखकर कहते हैं, इन छोटे मोटे हथियारों से मेरा कुछ नहीं होने वाला, रुक मैं दिखाता हूँ इन छोटे मोटे हथियारों का कमाल। इससे पहले मिस्टर मीट बाबा के ऊपर हमला कर पाता, बाबा अपनी लेजर से मिस्टर मीट को मार देते हैं। बाबा शॉन से कहते हैं, शॉन वो मिसाइल वाला बटन दबा दो। बाबा की ये बात सुनकर शॉन मिसाइल वाला बटन दबा देता है, जिससे मिसाइल सीधा जाकर मिस्टर मीट के ऊपर गिरता है, जिससे मिस्टर मीट का खात्मा हो जाता है। गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड से कहते हैं, मैं इस टैंक को ले जा रहा हूँ, इसे मैं अपने घर पे रखूंगा और समय आने पर इसी से दुश्मनों से लड़ाई करूंगा। बाबा टैंक पे आकर बैठते हैं और सभी लोग खुशी खुशी घर की तरफ जाने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दें।